ग्वालियर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने और उसे ब्लैकमेलिंग कर रुपए मांगने वाले आरोपी पंजाब सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय पुलिस ने शिकायत का मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि पंजाब सिंह अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताता था और उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर लंबे अरसे से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे पास एक महिला आई थी जिसने हमें एसपी सर के पास आई थी, वो उन्होंने कंप्लेन दिया है कि एक इंसान था जो काफ़ी उसका स्टॉकिंग कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, फिर धमकी दे रहा था, उसके घर के काफ़ी जो इंटीमेट बातें थी तो वो इंसान उसको बता रहा था, जिस कारण से वो काफ़ी डर गई थी कि इस इंसान को कैसे इतना सब कुछ पता है। काफ़ी बार उसने ज़बरदस्ती भी महिला को अपनी गाड़ी वगैरह में बिठाने का कोशिश करा। तो ये उसका स्कूल में हुआ था जहाँ वो काम कर रही थी, तो वो स्कूल मोरेना में थी लेकिन वो रहने वाली यहाँ की है, तो इसलिए चूँकि महिला और ऐसे गंभीर केस है वो यहाँ दर्ज कराना चाहती थी विश्वविद्यालय में, हमने करवा दिया और फिर हम इसे अभी शायद जीरो FIR की तरह ट्रीट करेंगे, जहाँ है घटनास्थल वहाँ शायद ट्रांसफ़र करने का कोशिश करेंगे। आरोपी क्या करता? आरोपी भी वही स्कूल में करता था, लेकिन महिला भी है जो आरोपी को वो इतना जान पहचान नहीं है उसका, है ना, तभी वो स्टॉकिंग का केस लगा रही है, तो अभी हम उसका जाँच कर रहे हैं, है ना। ग्वालियर।